नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 नवंबर 2024, दीपावली खत्म हो गया है, छुट्टी खत्म, काम शुरू। ठीक है, 2 दिनों से कोई वीडियो दिया नहीं था, लेकिन आज से वीडियो आपको मिलेगा। तो एक स्टॉक्स जो कि आपके सामने चार्ट पर लगा हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज, काफ़ी डिमांड आ रही है इस स्टॉक्स के बारे में कि आखिर इसका एक एनालिसिस करके बताइए कि इसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ क्या होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग टॉप पे ले चुके होंगे, जिसके वजह से जो करेक्शन आया, गिरावट आया, तो वो ट्रैप हो गए या फंस गए हैं, तो उनको लग रहा है कि ये ख़राब तो नहीं हो गया इस वजह से। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आरती इंडस्ट्रीज़ को एनालिसिस करते हैं। प्योर टेक्निकल रहेगा, मैं यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन स्टॉक्स पे या लेवल पे, तो कृपया अपने रिस्क पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। तो यहाँ पे क्या है आरती इंडस्ट्री, सबसे पहले हम लोग इसका एक टॉप देखते हैं। क्या देख रहे हैं टॉप? ऊपर इसने बहुत अच्छे से 2 बार का रजिस्टेंस लिया था। आप देखेंगे एक रजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये लगभग अप्रैल 2024 में मिला था, और उसी को इसने रिक्लेम किया था इस एरिया पर, जो कि लगभग अगस्त 2024 में था। यानी कि इसने डबल टॉप बना लिया। क्या बनाया? डबल टॉप। डबल टॉप एक बेयरिश पैटर्न होता है, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल चीज़ों की बात करेंगे हम लोग, और उसी के हिसाब से देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो डबल टॉप जो है ना, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में डीटी बोलते हैं, ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। और देखिए, इस बार इसने बहुत अच्छा काम किया कि जो बियरिश पैटर्न है उसको इसने प्रॉपर फॉलो किया, प्रॉपर फॉलो किया। इसमें कुछ दिक्कत ये रही कि एफआई की बिकवाली भी हुई है ना, ये भी हुआ है, इसके वजह से भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखा है। तो इसने बिल्कुल फॉलो किया नीचे की साइड में, लेकिन आप थोड़ा सा इसको वाइड रेंज में देखेंगे, बड़े स्तर पर देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि स्टॉक्स ने ना एक नीचे से लो भी बहुत अच्छा लगाया था। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया था, 1, 2 और ये 3, और यहाँ से फिर ये बाउंस कर गया था, और ये मिला था आपको 2023 अक्टूबर 2023 में, यानी पिछले ठीक 1 साल पहले। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ इसने 440 का लो लगाया था, 440 का लो लगाया था, 440। आप ध्यान से देखें इस 440 के लो को, तो ज़रा सा मैं यहाँ पे आपको प्राइस का दिखा दूँ तो फिर आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैं लाता हूँ प्राइस वाला, और ये आ गया आपका मूवमेंट चलेगा इस पर यहाँ। अब यहाँ से ये प्राइस को इस तरह से हम लोग पकड़े तो पता चलता है ये 322 पॉइंट है ना, कहाँ तक गया? ऊपर हाई चला गया, 750 से ऊपर गया, तो 322 पॉइंट की रैली दिखाया, 70% की रैली इसने यहाँ से दिखाया। अब 70% से रैली दिखाने के बाद जो ऊपर से करेक्ट हुआ है, तो ज़रा हम लोग इसी चीज़ को ऊपर से करेक्शन देखते हैं, तो क्या पा रहे हैं यहाँ से कि भाई ये लगभग लगभग 37% डाउनफॉल हो गया। 70% गया, कितना गया यहाँ से? इस लो से 70% ऊपर गया, ठीक है, पॉजिटिव, और निगेटिव अभी जो ऊपर से नीचे आया है तो लगभग वो 37%। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 35 दुनी 70, लगभग 50% इस पॉजिटिव मोमेंट का इसने 50% अपने आप को ख़त्म कर लिया, यानी कि 50% गिर गए। अब जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे उनको प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लिए होंगे उनको प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लिए होंगे उनको प्रॉब्लम है ना, जो यहाँ पे भी लिए होंगे उनको भी प्रॉब्लम है कि भैया गिर गया है ना, तो गिरा हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात देखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि आरती इंडस्ट्रीज ना ख़राब स्टॉक नहीं है, केमिकल का ये लीडर है, बहुत अच्छी कंपनी है आरती इंडस्ट्री। तो फंडामेंटली इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली बात तो ये समझिए कि फंडामेंटल ऐसा कोई इशू नहीं है जो आपको डर अंदर में आना चाहिए। अभी हम टेक्निकल और भी बताएंगे यहाँ पर कहाँ पर से क्या हो सकता है, लेकिन पहले आपके दिमाग में चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टॉक ख़राब नहीं है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें करेक्शन आया, तो करेक्शन आया ना, तो ये करेक्शन आना स्वाभाविक है, वो मार्केट वाइज, टाइम वाइज आता है, प्राइस वाइज आता है, तो ये प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। क्या हो गया? प्राइस वाइज, प्राइस इतना था वहाँ से ओवरशोट बाउट में था, ये ओवरशो धीरे धीरे इसमें करेक्शन आना शुरू हो गया, तो प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है। प्राइस में जो करेक्शन आना था वो आ गया, इससे ज़्यादा इसको करेक्शन नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब ऐसा चार्ट में क्या दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि इससे नहीं मिलना चाहिए? एक करेक्शन बचा है, वो है टाइम वाइज। क्या है? टाइम वाइज। तो प्राइस वाइज करेक्शन होता है और टाइम वाइज करेक्शन होता है। प्राइस वाइज हो चुका है, टाइम वाइज क्या है कि कितना समय लग सकता है। तो समय को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, मार्केट को कितने समय में मूव करेगा वो प्रिडिक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए,
अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखें इस एरिया को, इसने एक दो तीन चार पांच कैंडल एक ही लो के आसपास बनाया है, और वो लो आता है 480 के आसपास में। कितने का लो आता है? 480 के आसपास में, और 480 पर ये कई बार अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कितना पर कर रहा है? 480 पर। तो इसका मतलब ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि 480 के नीचे इसको नहीं जाना है। ध्यान से सुनिए, 480 के नीचे ये नहीं जाना चाहता है। बहुत बढ़िया। अगर ये नहीं जाना चाहता है नीचे, तो क्या हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, यही तो होगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए भी इसको एक दिक्कत है कि अभी इसका कॉन्सोलिडेशन फेज चल रहा है। कौन सा फेज चल रहा है? कॉन्सोलिडेशन फेज चल रहा है। आप देखें, इसने एक रेंज बना लिया, ये रेंज बना लिया, और इस रेंज में ही ये फंसा हुआ है। तो जो कॉन्सोलिडेशन चल रहा है ना, वो कॉन्सोलिडेशन फेज जो है क्या मांगता है? वो मांगता है टाइम। इसीलिए अभी इसका टाइम वाइज करेक्शन बचा हुआ है। कौन सा करेक्शन बचा है? प्राइस वाइज हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन बचा है। टाइम वाइज करेक्शन अगर ये कंप्लीट कर लेता है, तो इसको कम से कम जो है 520, कितना के ऊपर जाना चाहिए? 520। आप ये प्राइस को ध्यान में रखिए, 520। अगर इस प्राइस के ऊपर ये निकल जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन कंप्लीट हो गया। प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन कंप्लीट हो गया है। कितना के ऊपर जाने पर? 520 के ऊपर जाने पर। इसका मतलब क्या होगा? एक कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा ऊपर के डायरेक्शन पे। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गया कि भाई चलो अभी हमारा स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन क्या है, टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट तब करेगा। अभी टाइम वाइज में चल रहा है करेक्शन में, अब टाइम वाइज करेक्शन तब कंप्लीट करेगा जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब, यानी 520। तो अगर कोई नया व्यक्ति सोचेगा कि हमें पोजीशन को बनाना है या ऐड करना है, तो 520 दिस इज बेस्ट प्राइस। ये अच्छा प्राइस हो सकता है जब इसके ऊपर आपकी एंट्री बन सकती, या फिर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने टॉप पर लिया हुआ है, ऊपर के भाव पे लिया हुआ है, तो ये अच्छा जगह है जहां पर आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वांटिटी को, जहां पे आप बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन पहली बात। और उस कंडीशन में आपको ये भी पता है क्या करना होगा। देखिए इनका कॉल आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर जो व्यक्ति यहाँ 520 के ऊपर पोजीशन बनाता है, इन केस मान लीजिए 520 के ऊपर पोजीशन बनाता है, जो कि वो कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हो जाएगा, तो उसका स्टॉप लॉस तो लोअर एंड होना चाहिए फिर, तो है ना? तब फिर स्टॉप लॉस क्या बनेगा? 480 का बनेगा, क्योंकि इसके नीचे ये जा नहीं रहा है। तो अगर आप लोगों ने पहले भी पोजिशन बना रखा है, तो वो पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए था, ये पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए। और आपने टॉप पे लिया है, तो देखिए जब मार्केट कभी तो करेक्ट करेगा। आप अगर आपने उस जगह पे ले लिया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने पकड़ लिया। मार्केट के रैली में सब दौड़ रहा है, तो सारे लोग दौड़ जाते हैं, नहीं भागा 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 तो सब भाग गया, गिरा 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 सब गिरा। आपको यहाँ पर अपना, देखिए मार्केट का काम है ऊपर और नीचे करना, स्टॉक्स का काम है ऊपर और नीचे करना। स्टॉक और मार्केट बिल्कुल हमारे और आपके ज़िंदगी की तरह है, लाइफ की तरह है। लाइफ में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, मार्केट में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इस उतार चढ़ाव में आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अपने आप को, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं अपने आप को, ये आपको ढूंढना होता है। तो अगर आपने ऊपर के भाव पे लिया है और ये सोच के लिया कि कोई बात नहीं, स्टॉक्स अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं। ये बढ़िया जगह पर है जहाँ पर आपको बोलता है कि भाई आप ऐड कर लो, है ना? लेकिन उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप इस पॉइंट को लेके चल सकते हो 480, क्योंकि 480 के नीचे जाने पर ये आपको 30-40 पॉइंट का करेक्शन और दिखा सकता है। वो रीज़न है क्योंकि पीछे आप चार्ट अगर आप ध्यान से देखें, तो इसने पिछला एक सपोर्ट बनाया था इस एरिया पर 450 के आसपास में, तो हो सकता है वहाँ से आपको थोड़ा गिरावट दिखा दे, बशर्ते अगर ये 480 के नीचे जाता है। तो संभावना ऐसे कम है, और मार्केट में जब तक और कुछ बड़ा खबर, गलत खबर नहीं आ जाए, तब तक इसका कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि चार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाने की संभावना भी दिखा रहा है। इसलिए मैं उन सारे भाई लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ले रखा है और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट लायक फंड है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं इस स्टॉक्स में, क्योंकि ये अपने कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। कंप्लीट है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर। और अगर ये 520 ऊपर निकलता है, तो फिर 600 आते हुए में इसको टाइम नहीं लगेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? 600 आते हुए टाइम नहीं लगेगा, यानी कि अगला जो टारगेट हो सकता है 600 तक आने की संभावना बनता है। अब कोई कहेगा कि मैं तो 750 पे लिया हूँ, किसी ने तो लिया होगा यहाँ पे, वो कब तक आएगा? तो भाई जिस हिसाब से वो गिरा है, उसी हिसाब से वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे ऐसे से रॉकेट की तरह निकलेगा और आपका 750 आ जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ रीज़न? किसी ने यहाँ पे भी लिया होगा दोस्तों, तो जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा, कहेगा निकलो उनको, भागो भागो मेरा प्राइस आ गया, ये फिर मार खा के आ जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेच बेच दिया लोगों ने, फिर ये धीरे से ऊपर जाएगा। फिर किसी ने 600 यहाँ पे भी लिया होगा, तो कहेगा लो प्राइस आ गया, भागो 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 भागो, फिर यहाँ पे लोग बेच देगा।
अपना भाव आने पर भागेगा, इसे धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेते हुए वो ऊपर की तरफ में जाएगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करें, ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। जिसके पास भी ये स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज में, कहीं कोई फंडामेंटल ऐसा इशू नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है। हाँ, आपने थोड़ा सा अपना व्यू को लॉन्ग कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में मत रखिए, लॉन्ग टर्म लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया जगह पर अवेलेबल है ये स्टॉक, एड करने के लिए दे रहा है, और ये इसको आप सप्ताह का शेयर वीकली शेयर में भी लेके चल सकते हैं। तो ये है आरती इंडस्ट्रीज का पूरा डिटेल एनालिसिस। अब अगर आपको अच्छा, अगर आपने EMA वगैरह फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, कुछ भी अगर फॉलो करते हैं, तो मैं चलिए यहाँ पे आपको EMA लगा के दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है EMA। जैसे हमने EMA वाला प्लॉट कर दिया और ये आ गया आपका EMA। अब देखते हैं, जैसे हमने जूम किया इसको, तो क्या दिख रहा है हमें कि बहुत सारे EMA हैं जिसके ऊपर ये जाने की कोशिश कर रहा है ना। छोटा वाला जितने भी EMA है वो सारे EMA, जैसे 10 का EMA हो गया, 50 का EMA होगा, 10 के EMA के ऊपर ये जा चुका है, 10 EMA के ऊपर, 50 का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है ये ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ में भागेगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करिए इस स्टॉक्स को, क्योंकि ये मौका दे रहा है आपको पोजीशन बनाने का। ठीक है, मेरा कोई भी इसमें पोजीशन नहीं है, मैं पहले बता दूं, किसी व्यूअर ने पूछा था, बहुत सारी बार पूछा तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, फीडबैक करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।